संसद भवन में क्या है खास जिसने मचा दिया है हड़कंप। इस हफ्ते के आखिरी में संडे को 28 मई को देश को नया संसद भवन मिल जाएगा। ब्रिटिश राज में बना संसद भवन 97 सालों तक भारत के राजनीतिक इतिहास का गवाह बना, अब वो बूढ़ा हो चुका है। इमारत कमजोर हो गई है और सुविधाएं कम पड़ गई है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की नींव रखी और अब वो बनकर तैयार है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। मौजूदा या कहें पुराने संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को हुआ था। सवाल अब ये है कि तब उद्घाटनकर्ता कौन थे। तब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का कब्जा था, इसलिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो थे नहीं, वायस राय के जरिए ब्रिटेन की सरकार हम पर हुकूमत करती थी। 1926 से 1931 तक लॉर्ड इरविन भारत के वायस राय थे। इस रीजन से भारत में संसद भवन के उद्घाटन का सौभाग्य उन्हें ही हाथ लगा। 18 जनवरी सन 1947 का वो दिन जब लॉर्ड इरविन ने मौजूदा संसद भवन का उद्घाटन किया था, तब उसे हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा गया। इस हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ब्रिटिश सरकार की विधान परिषद काम करती थी। बात है सन 1956 की। ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लूटियंस और हर्बर्ट बेकर ने संसद भवन की डिजाइन तैयार की थी। माना जाता है कि मध्य प्रदेश के मुरैना स्थित 64 योगिनी मंदिर के अद्वितीय गोलाकार आकार ने परिषद भवन के डिजाइन को प्रेरित किया था। हालांकि इसके कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। उस वक्त संसद भवन बनकर तैयार होने में 83 लाख रुपए खर्च हुए। संसद भवन 566 मीटर व्यास में बना था, लेकिन बाद में ज्यादा जगह की जरूरत पड़ी तो साल 1956 में संसद भवन में 2 और मंजिलें जोड़ी गईं। तो ये बताइए कि क्या आपको ये सीक्रेट पता था। खैर, अब आते हैं हम साल 2006 में। संसद संग्रहालय बनाया गया, जिसमें भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत के 2500 वर्षों को प्रदर्शित किया गया है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। अब बात नए संसद भवन की कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी। शिलान्यास समारोह में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, कैबिनेट मंत्रियों और विभिन्न देशों के राजदूतों ने भाग लिया। कई संसद का बिल्डिंग लगभग 65,000 स्क्वायर मीटर में बनी है। नए संसद भवन की डिजाइनिंग गुजरात के एक आर्किटेक्चर फॉर्म HCP डिजाइन ने तैयार की है, जबकि निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया है। HCP डिजाइन के पास गुजरात के गांधीनगर में सेंट्रल विस्टा और राज्य सचिवालय, अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, मुंबई पोर्ट कॉम्प्लेक्स, वाराणसी में मंदिर कॉम्प्लेक्स के रीडेवलपमेंट, IIM अहमदाबाद के नए कैंपस के डेवलपमेंट जैसे कामों का पहले से अनुभव है। कहा जा रहा है कि इस पर लगभग 1,200 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसको भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। पुराने संसद भवन में लोकसभा के लिए 553 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा के लिए 250 सीटें। जबकि नए भवन में लोकसभा और राज्यसभा की क्रमशः 888 और 384 सीटें हैं, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। संसद के संयुक्त पत्र के लिए पुराने भवन के केंद्रीय कक्ष का इस्तेमाल हुआ करता है, लेकिन नए भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन लोकसभा हॉल में होगा, जिसमें 1,272 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। नया संसद भवन 4 मंजिला है, जबकि पुराने संसद भवन में 3 मंजिल है। पुराने संसद भवन से कहीं बड़ा है नया संसद भवन। जी हाँ, 1921 से 1927 के बीच पुराने संसद भवन का निर्माण हुआ था। नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में फैला है, जो अभी की इमारत से 17,000 वर्ग मीटर ज्यादा है। लोकसभा का आकार मौजूदा सदन से लगभग 3 गुना होगा। लोकसभा में 828 सदस्यों के लिए सीटें होंगी, वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में 326 सीटें होंगी। संयुक्त सत्र के दौरान 1,224 सदस्य साथ में बैठ सकेंगे। नई इमारत 3 मंजिला है। नए संसद भवन का डिजाइन त्रिकोणीय है। नई बिल्डिंग की डिजाइन में लोकसभा, राज्यसभा और एक खुला आंगन है। दोनों ही सदन सुविधाओं और डिजाइनिंग के लिहाज से स्टेट ऑफ आर्ट है। वर्तमान संसद भवन का गेट आप दाईं ओर देख सकते हैं। नए संसद भवन का गेट आकार में बड़ा है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। उस पर अशोक चक्र बना है और सत्यमेव जयते लिखा है। और वहीं नए संसद भवन की छत पर एक गुंबद है। और वहीं नई बन रही इमारत की छत पर 6.5 मीटर ऊंचा राष्ट्र प्रतीक अशोक स्तंभ स्थापित किया गया है।
इमारत में बड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, सांसदों के लिए लॉन्च, एक लाइब्रेरी, कमेटी रूम, डाइनिंग एरिया और पार्किंग भी होगी। और इसका बड़ा आकर्षण कॉन्स्टिट्यूशन हॉल होगा, जहां भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाने के लिए तमाम चीजों के साथ साथ संविधान की मूल प्रति, डिजिटल डिस्प्ले वगैरह दिखाए जाएंगे। नए संसद में दोनों सदनों के साथ साथ सभी सांसदों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस ऑफिस की व्यवस्था भी होगी। यहां सांसदों के लिए डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नए सदन में सांसदों की बैठने की व्यवस्था मौजूदा व्यवस्था से हटकर ज्यादा खुली और आरामदेह होगी। एक टेबल पे दो सांसद बैठेंगे। सभी मंत्रियों के एक ही जगह पर बैठने की व्यवस्था की गई है, जिससे उनके आने जाने में लगने वाले वक्त की बचत हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान नई संसद के निर्माण में लगे लोगों से भी बातचीत की। राष्ट्रीय चिन्ह को संसद की छत पर बनाना इतना आसान नहीं था। ये प्रक्रिया 8 अलग अलग चरणों से गुजरी है। पीएम मोदी ने नए संसद भवन की छत पर सोमवार को राष्ट्र चिन्ह का अनावरण किया है। इससे बनाने की प्रक्रिया 8 अलग अलग चरणों से होकर गुजरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले और भी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। रेडियो कनपुरिया 90.0 FM, रेडियो कनपुरिया 90.0 FM।